नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कोई कंपनी जब अपनी ब्रांचों को पूरा इंडिया में फैलाव कर लेती है तो किस प्रकार से वह सिक्योरिटी सिस्टम को स्टार्ट करे कि सारी ब्रांचेस सेफ रहें, और कोई अनहोनी घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। कंपनी खोलना इजी है, लेकिन जब उसको ब्रांचों को हम फैलाव करते हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट है। इसके लिए सबसे पहले हर ब्रांच में आपके पास ऑनलाइन कैमरास का सिस्टम होना चाहिए कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग 24 आवर्स 7 डेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम सिक्योरिटी तो रख लेते हैं। नहीं, आजकल ये भी है कि ना स्प्रे कर देते हैं, ब्लैक स्प्रे होता है कि इसने कैमरे रखे हुए हैं हाँ, वही स्प्रे कर देंगे। वो कैमरे से निपटने के लिए ऐसे वाटरप्रूफ कैमरे आ गए हैं कि उनको ऊपर से ही स्पॉट होती है ठीक, और उनमें स्टोरिंग सिस्टम होता है, अच्छा और जिस प्रकार वो फोटो क्लिक होगी या जिस प्रकार वो वीडियो बनेगी ऑन द स्पॉट वो आपके स्टोरेज सिस्टम में जाएगी। ठीक। यानी अगर कोई भी उस कैमरे को तोड़ भी देगा तो उससे पहले की जो वीडियो होगी वो स्टोर रहेगी। कैमरे टूटने के बाद की वीडियो तो हम कह सकते हैं कि स्टोर नहीं है, लेकिन जिस ऑन द स्पॉट वो अगर कैमरे को तोड़ेगा भी तो वो वीडियो भी आपके स्टोरेज सिस्टम में सेव रहेगी। ये इसीलिए सबसे पहले हमें जो हम कैमरे इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही हमें स्टोरेज सिस्टम का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ अगर हम ऑनलाइन वायर कनेक्शन दे रहे हैं तो उसका लाइव टेलीकास्ट भी चलेगा, आप किसी भी लैपटॉप में या किसी भी सिस्टम में उसको लाइव कवरेज भी दे सकते हैं। ऐसे मैंने सुना था कि मोबाइल पे भी आ गया है कि हाँ, वो सॉफ्टवेयर है, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप उसको लाइव भी मतलब देख मोबाइल पे सकते भी हैं। देख सकते बिल्कुल हो बिल्कुल देख सकते हैं, कि मेरे मतलब कि ऑफिस जो ब्रांच है मतलब आप कि उसको 24 आवर्स लाइव देख देख सकते सकते हैं, हैं, और अगर आप बिजी हैं तो स्टोरेज सिस्टम से निकाल के 2 दिन बाद भी चेक कर चेक सकते कर हैं। सकते हो। और ये तो होगी हमारी लाइव टेलीकास्ट की कैमरे की बात। बिल्कुल नंबर 2 पर जो बहुत जेन्युइन सा रीजन है कि हमें गार्ड 24 आवर्स तैनात रखने पड़ेंगे, जैसे अभी अखबार में सुना था कि कई गोल्ड लोन कंपनी में अटैक हुए अटैक हुए। और मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हमला हुआ तो काफी बिल्कुल लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ। कैसे ये कंपनियां निपटती हैं? इसका सबसे बड़ा अभी इन्होंने नया सोल्यूशन निकाला है कि ये अपने जो सेफ हैं अंदर, तो यहाँ सिक्योरिटी है ही है, कैमरे लगे हुए हैं और सेफ के लोग ही इतने हैं कि वो बगैर कीज के खुल ही नहीं सकते। इसके बाद इन्होंने एक नया सोल्यूशन निकाला है, ये गेट पर भी सिक्योरिटी सिस्टम दे रहे हैं, यानी अगर कोई भी उनके गेट को टच उनके करता गेट है। को टच करेगा तो हाँ उसका लाइव मैसेज इनके हेड ऑफिस के सिक्योरिटी सिस्टम में जाएगा। ठीक, उन्होंने उस अलार्म को उस गेट के साथ ऐसे इंटरनेट कनेक्शन की वायर दी है कि वो बिल्कुल लाइव वहां पर टच देगा और सायरन बजेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही इन्होंने अलार्म के बीच में 3 फोन नंबर की फैसिलिटी दी हुई है कि उन तीनों पे ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी बिल्कुल कि आपके गेट को कोई ओपन कर रहा है। इसके साथ ही इन्होंने एक नया जो सोल्यूशन निकाला कि एक गार्ड ब्रांच के अंदर रहेगा नाइट में और एक गार्ड के बाहर रहेगा। जो अंदर वाला गार्ड होगा वो पूरी ब्रांच को सील करके और अंदर ही बैठेगा, और एक गार्ड ब्रांच के बाहर रुकेगा। अगर बाहर से कोई हरकत होती है तो अंदर वाला ऑन दी स्पॉट इनके सिक्योरिटी सिस्टम में अलार्म भी बजा देगा और इन्फॉर्म भी कर देगा। इस प्रकार ये काफी उदाहरण है, अलार्म सिस्टम हो गया, कैमरा हो गया, गार्ड सिस्टम हो गया, इन सब को मद्देनजर रख के आज नई तकनीक से लाइव टेलीकास्ट करके ये लोग अपनी ब्रांच सेव कर रहे हैं। इसके अलावा इसके जो साथ ही सबसे बड़ी, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो इन्होंने इंश्योरेंस करा के रखे हुए हैं। जिस दिन ब्रांच ओपन होती है उसी दिन ब्रांच ओपन होने से पहले ही इनका इंश्योरेंस हो जाता है और इनको बाद में क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं, जो इनका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह के ऑफिसर ये रखते हैं? इन्होंने अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अलग अलग रीजन बना रखे हैं, हर स्टेट के लिए इन्होंने सेपरेट रिटायर मैनेजर जो कि फौज में तैनात थे या पुलिस में तैनात थे, स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस में से थे डिफेंस से रिटायर आदमी इन्होंने रखे हुए हैं मिल। जो पूरी ब्रांचों को 24 आवर्स चेक कर रहे हैं, गार्ड की अटेंडेंस ले रहे हैं, और उनका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया या उनके लीव स्ट्रक्चर हो गया ये सारा वो
जो सिक्योरिटी सिस्टम है उन्हीं के अंडर होता है। अगर कोई गार्ड 5 दिन की या 3 दिन की लीव पर जाता है तो उन्हीं से सेंशन होकर दूसरे गार्ड को ऑन दी स्पॉट अटेंड खड़ा कर दिया जाता है ताकि ब्रांच की सेफ्टी की जा सके। इनके पास कोई लीगल पावर्स भी होती है, जैसे लीगल पावर सिर्फ कंपनी से होता जैसे है। कोई अगर चोर पकड़ा जाता है या कोई डाकू पकड़ा जाता है तो उसको उसमें से उसने क्या निकाला उसके ऊपर, मतलब थर्ड डिग्री वो लेना। उसी नहीं, इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। ये ऑन दी स्पॉट FIR कटा के उसको पुलिस के हवाले करते हैं ठीक और है, मतलब बाद में इनका लीगल डिपार्टमेंट आगे की कार्रवाई करता है। कोर्ट में जाता है कोर्ट केस। में सीधा डायरेक्ट केस ठीक जाता है ठीक ठीक और वहीं से इनका इंश्योरेंस क्लेम अगर नुकसान होता है तो उस व्यक्ति जो उस पकड़ा गया है हाँ वह उससे उससे क्लेम इनको मिल जाता है। ठीक, बहुत धन्यवाद बहुत दोस्तों।